नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान का परिचय। अगर आपने साथ साथ में पढ़ोगे बहुत थोड़ा मैटर मिलेगा आपको। कैसे? मतलब इतना कि आप 1 घंटे में याद कर सको, वो थोड़ा। लेकिन फिर भी हमारा ये चौथा दिन है आज। जैसे जिम में करते हैं ना, 60 दिन का टारगेट बॉडी सही करने का, आज हमारा शायद ये चौथा दिन है। चौथे दिन तक हम भौतिक प्रदेश में पहुंच चुके हैं। आज आधा भौतिक प्रदेश हम कंप्लीट कर देंगे। और जो भी कोई एक जीके के बैच की भी मांग थी, तो कल या परसों बताएंगे आपको। जीके का अलग से बेंच धुरीना पे लॉन्च कर रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे। 2 दिन का वेट करो इसके बाद में। क्यों? चलो देखो, आज जो टॉपिक है बच्चों, भौतिक प्रदेश, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छा सर, क्या बात है सर, के वह भौतिक प्रदेश? देखो, के वह ने छोड़ो, अपने को तो कंपटीशन के हिसाब से तैयार करना है। माथापच्ची हम करें ही क्यों? पहले मैं कुछ और चीजें देखता हूँ, फिर भौतिक प्रदेश पे आता हूँ। पहले आपको एक सिद्धांत देता हूं, जो ज्योग्राफी का, जो भी कोई फर्स्ट एड से तैयारी करा है जिसकी ज्योग्राफी, वो इस व्यक्ति का नाम जरूर सुना है उसने, जिसका नाम है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो 1912 में उसने दिया था, 15 में फिर प्रकाशित हुआ। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के सिद्धांत है सर, अभी बता दें क्या सिद्धांत है। वेगनर आके अपूरी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बीच में ओ भाग हो, पृथ्वी को एक भाग, ठीक है, और पूरो भाग के स्थल भाग हो, पूरो स्थल हो, और विस्थल भाग को बन नाम दियो पेंजिया, ठीक है। और ओ बोलियो पेंजिया के चारों ओर एक सागर होया कर, तो एक पानी को एक क्षेत्र होया कर, तो एक सागर होया कर, तो और भी सागर को बन नाम दियो पेंथालासा। कह पेंजिया के चारों ओर एक सागर था जिसका नाम था पेंथालासा सागर। अब उसके बारिश बारिश हुई होगी, वो पानी उठे हो गयो और बीच में जाके पानी भेड़ो हो गयो, और एक अलग से सागर बन गया होगा, उसने उसका नाम दिया था टेथिस सागर। बात ने समझा गए थे, रग पकड़ी गए थे। कि पेंजिया था, पेंजिया पृथ्वी का भाग था, चारों ओर एक सागर था। कार्बोनिफेरस युग में इसमें विभाजन शुरू हुआ। विभाजन का मानना है, ये मान लो कि ये पानी इसके अंदर घुसना शुरू हुआ ऐसे, एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप, ये भाग इधर हो गया, ये भाग इधर हो गया। जैसे आप महाद्वीप के अंदर, जैसे आप विश्व का मैप देखोगे ना, तो ऐसे आपको जो मैप दिखाई देगा ना, ऐसे ऐसे यहां निकला हुआ, इधर अफ्रीका महाद्वीप, बीच में ये पानी देखो, ऐसे करके ये इधर यूरोप, ये पानी, ये ऐसा करती वाला। जब इनको पानी हटा के इनको मिलाया जाए ना, तो वापस मिल जाएगा ये। इसका मतलब वेगनर भाई साहब ने बात बड़ी गहन बात की, बड़ी सोचनीय बात की। और फिर थोड़ा सा विभाजन ऐसे हुआ, जैसे इधर ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, और आधा एशिया हो गया, नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऊपरी भाग को उसने नाम दिया अंगारा लेट, अंगारा सिंह, अंगारा लेट, और दक्षिणी का नाम दिया उसने गोडवाना लेट। अब आप आराम से बता सकते हो कि जो नीचे है वो गोडवाना, ए ऊपर है, ए पहले आता है, ऊपर वाला भाग अंगारा लेट नीचे। जैसे आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका, तो आप कह दोगे अंगारा लैंड का भाग है, और दक्षिणी अमेरिका आप कहोगे गोडवाना लैंड का, और अफ्रीका आप कहोगे गोडवाना लैंड, क्यों? अफ्रीका नीचे है। अब हमें मतलब इनसे कहाँ है भाई, हमें तो राजस्थान से मतलब है। राजस्थान में दो ही चीजों के, भारत में अंगारा गोडवाना के दोनों है, राजस्थान में एक तो इसके अवशेष पाए जाते हैं, किसके? टेथी सागर के। समझता जाइयो बात ने, बड़ी गुड बात है, बड़ी ही सत्संग में आया हो तो गुड बात सीखे जाओ। कौन सा? टेथी सागर का, और एक अपने है गोडवाना लैंड का। यानी राजस्थान में टेथी सागर का अवशेष है और गोडवाना लैंड का अवशेष है। अब हम करते हैं कि टेथिस का कौन सा है, गोडवाना कौन सा है, कई बार सीधा सीधा पूछ ले, बहुत शोर हो रहा है। पहले तो मैं थाने भौतिक प्रदेश बताऊं शॉर्ट में, अभी हम भौतिक प्रदेश में शुरू नहीं है, लेकिन शॉर्ट में अभी बता देता हूं कि है टाबरो, यो राजस्थान है आपनो, ये करके दिखाओ, ये करके। भौतिक प्रदेश को मतलब यहां समझो कि जट है एक जैसी चीज ही बिन एक अलग प्रदेश बना दियो। जी आप मान लियो कि आ कह दे सिख ही सिख का बिन पंजाब बना दियो, वो पंजाब प्रदेश हो गयो। ये भौतिक यानी भूमि से बना भाग है, यानी भूमि का ऐसा भाग जहां एक जैसी चीजें थी सर, समझा को नहीं? जी हाँ, वो राजस्थान में अटक पूरो ही मरुस्थल हो, जद बोलिया का वो एक भौतिक प्रदेश हो गयो मरुस्थल। वाह सर, क्या बात, वाह सर, मजवा गई, वो एक भौतिक प्रदेश है। अठकर टाबरो पहाड़ियां ही अरावली की, जद बोलिया ओ दूसरो भौतिक प्रदेश अरावली। वाह सर,
अठहत्तर नदियां ही, और जहां नदियां होगी उस क्षेत्र में होगा मैदान। यह तीसरा भौतिक प्रदेश उत्तर का मैदान। यहां पर पठार था, यानी पहाड़ियां ऊंची, ऊंची से नीचे पठार, पठार था, इसीलिए इसका नाम दे दिया। ये दक्षिणी दिशा है और ये पूर्वी दिशा है, दक्षिणी पूर्व का पठार। ये लो जी चौथा भौतिक प्रदेश। हर्रा गुरुजी बहुत सोरो बताए थे, तो बहुत तगड़ो काम करियो। बस मैं तो ईशा ही काम करा थे, तो बस सत्संग में आ जाए करो टाइम टू टाइम भक्तो। तो भक्तो भौतिक प्रदेश इधर से शुरू करेंगे, पहले मरुस्थलाई, फिर पहाड़ी आ गई, थे पहाड़ी पार करोगा, फिर थे मैदान पार करोगा, फिर दक्षिण पश्चिम पठार पार करो, एमपी में जा पड़ोगा। अब बताया कि ओ क्यांगो शेष है, ओ क्यांगो है, ओ क्यांगो है, ओ क्यांगो, ये किसका, ये किसका, ये किसका, ये किसका, रहा बहुत इजी है, कुछ नहीं रटना। देखो कैसे, मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं। सर बिल्कुल है, खारे पानी का झीलें हैं, इसका मतलब ये कभी यहां कोई सागर हुआ करता था। रामायण आपने अगर देखी है तो भगवान राम समुन्द्र से रास्ता मांगते हैं, समुन्द्र अड़के खड़ा हो जाता है, रास्ता नहीं देता। भगवान राम लास्ट में क्या करते हैं, पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं और लास्ट में वो तीरियो काट ले, उनसे अग्निशमक अग्न्यास्त्र निकाल ले, निकालते हैं वो आगे पगा पड़ जा, त्राही माम महाराज बचाओ, और थाने कट्ठे रास्ते की जरूरत है, थार का नल नील जिसे इंजीनियर है बनाओ, मेरे ऊपर कर पुल जाओ। बोले बात तेरी शानिया बनी, तीरियो के करो, ये एक बार धनुष पे चढ़ गया तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा, ओगढ़ छोड़ू। बोले महाराज इधर उत्तर दिशा में छोड़ो, वहां पर राक्षस रहते हैं, जो राक्षस लोग करके समुद्र के पानी में घुस जाते हैं, वहां मारो ताकि वो पानी सूख जाए। तब कहते हैं भगवान राम रामायण में कि ये तीर जहां जाके लगेगा वो क्षेत्र पूर्णतः मरुस्थल हो जाएगा, वहां पर बड़ी उपयोगी जड़ी बूटियां उगेगी, बाकी कुछ नहीं। वो तीरियो आगे आपने लागो, इस क्षेत्र में लागो बताओ, वो तीरियो बाड़मेर जालौर, इसे प्राचीन समय में पानी वाला क्षेत्र कहा जाता था, नेहड़ क्षेत्र, और वो पानी सूख गयो। अब थे बताओ समुद्र सूखेगो जो जिला ही बचाई खारे पानी, इसका मतलब यहाँ का भी समुद्र था, सागर था, और सागर मतलब किसका अवशेष, टेथिस सागर का, यानी मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। अथारे याद रह जी का मरुस्थल में जिला है, जिला वे खारी, वे खारी जिला है, मतलब खारे को अवशेष है, खारे को अवशेष को मतलब टेथिस सागर, याद रहे। अब की कौन करना, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं, अंगारचंद नहीं है राजस्थान में, सिर्फ गोडवाना लैंड का है, तो फिर आ लियो टेथिस, आगे कौन सा अरावली लिख दियो गोडवाना, आगे मैदान पाछो लिख दियो टेथिस, आगे पठार पाछो लिख दियो गोडवाना, क्रम चालेगो। टेथिस थारे याद हो गयो, टेथिस गोडवाना, टेथिस गोडवाना, यानी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, अरावली गोडवाना का है, मैदान फिर टेथिस का है, और दक्षिण पूर्व फिर गोडवाना लैंड का है। यार गुरुजी यार तू तो वास्तव में यार क्या बात है यार, कमाल 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 कर दिया वजी पान, याद हो गयो सर, याद हो गयो। चलो अब हम आते हैं भौतिक प्रदेश। अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से इनका विभाजन करता है भौतिक प्रदेश का, हम लोग चार के हिसाब से पढ़ेंगे, ज्यादा माथापच्ची हम करें नहीं, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार पढ़ें जो चार भाग बात है। सबसे पहले जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो विभाजन करने का कार्य किया वो मिश्रा जी ने किया, कौन से मिश्रा जी थे, वी सी मिश्रा। मिश्रा जी बोलिया सात भौतिक प्रदेश, चलो बढ़िया रहे मिश्रा जी, और आपा कौन पढ़ा नहीं, सात पढ़ना पड़ा था, इन्होंने सात भौतिक प्रदेशों में बांटा। फिर दूसरे एक विद्वान और आए जिनका नाम था एके सेन, एके सेन जी ने जलवायु के आधार पर बांटने का प्रयास किया 1968 में, इन्होंने जलवायु के आधार पर बांटा, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये दूसरा प्रयास किया गया था। फिर तीसरा प्रयास जो है वो रामलोचन सिंह ने किया था, थोड़ो बहुत याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, यहां से नॉर्मल कंपटीशन में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 1971 में। ये छोटी सी बातें हैं। अब था ना एक बात और, भौतिक प्रदेश कितना बताया मैं, था चार बताया मैं, एक बार राजस्थान फिर बना लेता हूं, बार बार बनाना पड़ेगा ताकि आप समझ सको। सबसे पहले मरुस्थल, मरुस्थल के बाद में अरावली, अरावली के बाद में मैदान, मैदान के बाद में पठार। कई बार हम पूछ ले का बुड्ढो कुण है जवान कुण है, बात भी जाइए, यानी सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, सबसे बाद में किसकी उत्पत्ति हुई। एक बात आपको पहले बताई कि विश्व की सबसे प्राचीनतम ललित पर्वतमाला है अरावली, बस सौ पुरानी है, सौ पुरानी है, मतलब सौ पहली पोत पाई आई है, एक नंबर पे इसी का उद्भव हुआ था। हरे तो थारे घर में सौ पुराणों थारो दादो है, तो सौ पहली पोत आणियों भी तो वो ही है,
कर्म तो एक नंबर बानी देना पड़ेगा, लास्ट में जामे बिंदी होगा, वो तो नयो है, वो तो युवा है, इसीलिए मरुस्थल को युवा मरुस्थल कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो चीज आती है वो मजबूत, यानी पुरानी चीजें बड़ी मजबूत थी, सीधा याद रखो अरावली बहुत मजबूत है, अरावली मजबूत है, बिंग बाद में मजबूत चीज की है, पहाड़ा ने बाद में तो पठार मजबूत हुए, ओ लो जी इंग बाद में आया पठार। अब बात आई कि मरुस्थल ज्यादा मजबूत है एक मैदान, तो जाहिर सी बात है आप भी देख लोगे मरुस्थल में रेत ही रेत है, आगठ मजबूत है, वो तो सब बाद में आए, इनको मतलब मैदान मजबूत है। तीन नंबर पे ये आया और वो नयो मरुस्थल है अब भी बने हुए, चार नंबर पे आया। यानी ये कर्म है, कई बार पूछ लेते हैं इनको, सबसे पहले अरावली बनी, सबसे पहले मजबूत चीज बनी अरावली, फिर भी मजबूत कौन है पठार है वो बने दो नंबर पे, फिर मैदान और मरुस्थल, मैदान मजबूत हुए मरुस्थल। वाह सर क्या बात है, वाह सर क्या बात है, आग लगा दिया आपने तो, अब बताओ क्या समस्या आ रही है। चलो आगे, समझ में आ रही है ना, बीच बीच कमेंट करके बताता रहे करो, ठीक है, लाइक वाइक कर दे करो करो, तो ऐसा जे आड़स में भी आता अंगूठो ही लागे कि मेरी यही गणो चैट में अंगूठो चलाओ, लाइक में चला दियो तो क्या फर्क पड़े, लेकिन फिर भी करो तो कर दो, कोई थाना अच्छो लागे तो कर दिए, नहीं लागे तो कोई बात नहीं, और अच्छो पढ़ाने की कोशिश करा। अब चलते हैं हम मरुस्थल की ओर, चलो कम से कम चार से पांच क्लासें होगी बच्चों इसकी। ये लो जी मरुस्थल, ये लो जी अरावली, ये लो जी मैदान, ये लो जी पठार। अब हम एक एक उठाएंगे और इसको पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा समय जो लगेगा मरुस्थल और अरावली में लगेगा, फिर मैदान ये बड़ाई चीज है। सबसे पहले मैं इस मरुस्थल को उठा लेता हूं, सर उठा ले, ये लो जी, यानी ये लाइन खींच देता हूं, या खींची, ठीक है, या हो गई अरावली की लाइन, एक बार ये खींची ऐसा ही, ठीक है, ये पूरा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? थार, ये जरूर। इससे पहले मैं फिर एक चीज और देखता हूं, या बोर ना हो जियो, क्लास में तो बोर को नहीं होने, जाओ ऑनलाइन में कैमरे साथ में जाग करूंगी मैं, थे बताओ किंग साथ करूंगा कैमरे साथ, भलाई कर लो कैमरा शानदार यार, कड़ो कड़ो जोर को लागे। और थार का मरुस्थल देखो, इस साइड में पाकिस्तान है, इस साइड में भारत है, भारत में एकमात्र मरुस्थल यही है, वैसे तो ग्रेट आर्टियो प्रोडो अफ्रीका मरुस्थल का ये भाग है, वो मरुस्थल दो देशों के अंदर फैले हुए, यानी थार का मरुस्थल जो है इसे युवा मरुस्थल कहा जाता है, ये भारत विश्व के दो देशों में मुख्यतः फैले हुए हैं, इसे महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी ये भारत और पाकिस्तान दो देशों के अंदर फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसका नाम निकाल रखा है इन्होंने चोलिस्तान, क्या शानदार नाम निकाले बेटी का बाप, इनको शर्म आरी बात को नहीं, क्योंकि आपा भी यह गाना काट दिया, इसके पीछे क्या है उसके पीछे क्या है, तो ए नाम ही तो काट दिया बेचारा। यानी पाकिस्तान में कह चोलिस्तान, क्या ने थारगे मरुस्थल ने, यानी फिर पाकिस्तान ऐसे पढ़ाई जाएगा, चोलिस्तान जो है वो इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें ये चीजें बनी हुई है, वो पाकिस्तान वाले पढ़ाएंगे, हमारी टेंशन नहीं है, हम छोड़ छोड़ रहे, आ जाओ आपने भारत पर आओ, दो देशों में फैला हुआ है, भारत में लगभग 85% है, 15% है, और 15% में ईशा बेहुदा नाम दे रखे हैं, लगभग 238,000 वर्ग किलोमीटर में है टोटल, लेकिन राजस्थान भारत में कहा है, भारत में इस क्षेत्र में है, यानी ऊपर में देखूं पंजाब, थोड़ा सा कोई हरियाणा आता है नॉर्मल सा, फिर राजस्थान और गुजरात, यहां पर फैला हुआ है, और ज्यादातर इसमें कहां फैला हुआ है, हमारे यहां फैला हुआ है, राजस्थान के अंदर ही फैला हुआ है। भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान जो है वो 62% लेगी बेटे, यानी भारत में जितो है, भारत में हम 100 मान लेते हैं, वो 85 जाने दो, भारत का अगर 100 है तो भी पूरा अपन ही लिया बैठे 60%। अवसादी चट्टाना है, अवसादी चट्टाना तेल वगैरह कोई लो पाई जाए तो अवसादी चट्टाना है। अब अपन आनो है राजस्थान पर, आप पीछे जावा क्यों, ये है, यानी ये पूरा इतनी दूर में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है सर, समझो इस चीज को, बड़ी ही गहन बातें हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये थार का मरुस्थल है इतनी दूर के, यानी अरावली के इधर टोटल 20 जिले हैं वर्तमान में, पुराना नहीं पढ़ रहे हम, नया जीके पढ़ रहे हैं, अरावली के इधर ही वैसे आ जाता है सिरोही से,
लेकिन सिरोही आपको पता है मरुस्थल में नहीं आता, सिरोही में सो ऊंची पहाड़ियां से अरावली की सिरोही में ही तो है, पहली ऊंचो पठार से सिरोही में, तो सिरोही तो पूरी पहाड़ियां ही पहाड़ियां, इसका मतलब मरुस्थल नहीं है। अरावली के इधर 20 जिले हैं, लेकिन सिरोही को छोड़ दो क्योंकि सिरोही अरावली में आता है, और टोटल 19 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। कितने जिलों में? 19 जिलों में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,000, जिसमें से 61.11% थार का मरुस्थल है, यानी इस कुल का 61.11% थार का मरुस्थल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक चीज और थान बता रही, अरावली के इन्ने इधर 58% भाग है, यानी 3,42,000 का 58% अरावली के इधर है, लेकिन राजस्थान में कुल मरुस्थल 61.11 है। सर यह बात मारे दरी समझो को नहीं, अर्थे और समझाओ, मैं और क्यों को नहीं समझाऊंगा, थे बताओ और समझाओ। देखो थार को मरुस्थल, इस चीज को समझो क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तब गड़बड़ हो जाएगी। राजस्थान में ये जो है अरावली के इधर कितना राजस्थान है? अरावली के इधर सर 58% राजस्थान है और पूरा मरुस्थल अरावली के इधर है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजस्थान में कुल मरुस्थल 61.11% है। सर अब बात मारे कौन समझवाई, तो आई तो मैं समझाऊंगा। आपने कभी नाम सुना है कि फौज जो है वो मार्च कर रही है? मार्च का अर्थ क्या होता है? मार्च का अर्थ होता है फौज मार्च कर रही है, पुलिस ने मार्च पोस्ट की पूरे शहर के अंदर, फौज ने मार्च पोस्ट की, ये नाम कभी सुना होगा आपने। मार्च का अर्थ होता है आगे बढ़ना, क्योंकि मार्च में चेत को मिनो लागे, चेत मिनक चेत जमानो चेतन रो आयो, यानी नई साल लगती है, नई साल का मतलब आप आगे बढ़ो, मार्च का मतलब ही आगे बढ़ना है। तो फिर रेगिस्तान का मार्च, यानी रेगिस्तान को आगे बढ़नो, रेगिस्तान को मार्च, जी हां मान लियो कि वो एक टिब्बो है, ठीक है, इनने बना रखी थी रोड, और जी आंधी चलेगी और टिब्बो आ जाएगा रोड के ऊपर, यानी यहां पहले तिब्बत नहीं था, लेकिन आंधी चलने से ये टिल्ला यहां आ गया, तो बताओ टिल्ले को विस्तार हो को नहीं बोल, बिल्कुल हो, यानी रेगिस्तान को आगे बढ़नो, रेगिस्तान को मार्च कहला। जी हाँ, एक दारू पीना रो, पांच जना ने दारू पिला रहे, तो वो आपको विस्तार करें, बोले दारू का मार्च, पांच लोग ने वो दारू पिला रहे, ठीक है। अब दारू पिला रहे वो जो को आदमी है बिंगो नाम है नाचना, वो काम कर रहे, पांच जना ने दारू पिला रहे, ठीक है, यानी ये मार्च कर रहा है अपने दारू पिलाने, पांच जना में दो तीन जना तो नॉर्मली सीखा, एक जनो पूरा बेवड़ो हो गयो जगह को नाम सब, सर समझा नहीं। रेगिस्तान को आगे बढ़ाने का काम, जैसे दारू पिलाने का काम और को, वो काम कर रहा है नाचना गांव, यानी यहां से रेगिस्तान का मार्च शुरू हुआ, जो जैसलमेर का एक गांव है, प्रसिद्ध गांव है मरुस्थल का आगे, और एक गांव है सम जो पूर्णतः वनस्पति रहित हो गया, इसका हम आगे जिक्र करेंगे, कुछ नहीं बचा है यहां, टिब्बा ही टिब्बा है, थे कभी घूमन जाओ तो चला जाइए। अब बात समझा, अब अरावली के बीच में टाबरू गैप है, अब यहां से रेत उड़ी और अरावली की इधर जाके सेट हो गई, तो कुछ क्षेत्रों में उधर भी मरुस्थल हो गया, उसको टोटल जोड़े तो फिर 61.11 होता है, यानी अरावली के इधर 58% भाग भी मरुस्थल है, लेकिन राजस्थान में कुल मरुस्थल बच्चों 61.11 है। बताओ भक्तों समझ में आयो को नहीं? सर क्या बात करते हो, कैसे समझ में नहीं आएगा, आ गया, चलो आओ दोबारा, मैं दोबारा बोलूं, बस एक बार पढ़ लेते माथा बची ना करियो, यो लो मरुस्थल अरावली के इधर 58.11% भाग, राजस्थान में कुल मरुस्थल 0.11%, मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना, जिसके लिए नाचना जाना जाता है, संपूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। दो नाम, एक तो रुक्स क्षेत्र, सर ये क्या है, एक गुर्जरात्रा क्षेत्र, गुर्जरात्रा क्षेत्र, ये दो नाम है। इस मरुस्थल को ईश्वरी प्रसाद ने रुक्स क्षेत्र नाम दिया, ईश्वरी प्रसाद ने, और चीनी यात्री चीनी यात्री था हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इसने मरुस्थल के लिए गुजरात क्षेत्र का प्रयोग किया।
यह मरुस्थल है जिसे युवा मरुस्थल कहते हैं, भारत का महान मरुस्थल कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, अरावली की इधर 58 है, कुल 61.11 है। इसी मरुस्थल को हमारे ईश्वरी प्रसाद ने रुक क्षेत्र कहा और इसी मरुस्थल को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या कहा, गुर्जराता यात्रियों का राजकुमार ने क्या कहा, इसे गुर्जराता प्रदेश। बताओ के कौन समझ में आया, सार क्या बात करते हो, सब समझ में आ गया। चलो तो फिर आगे हाउ हवेली पर द्वारा सीखते हैं, इसको बड़ा इजी है यार, क्या बात करते हो, वाह सर क्या बात। अब आओ टावरो, कोई चीज अगर बड़ी है तो बिन टुकड़ा बांटो, सीधा सा एक ही बात मानो का आपा राजस्थान से को पढ़ रहा नहीं, वो इतो बड़ो है तो आपा छोटा छोटा टुकड़ा में बांट रहा पढ़ रहा, और वो मान लियो का एक टुकड़ो है ओ अरावली गई लो ओ मरुस्थल, अब इतने बड़े मरुस्थल ने क्या पटा तो इनका दो टुकड़ा बांट दियो, ए यो बांटो ये कुल मरुस्थल है ठीक है अरावली के इधर, वो बहुत बड़ो है भाई, मैं इनका और टुकड़ा कर लिया, मैं और टुकड़ा करूंगा इधर बीच में आ जाए एक लाइन खींच दियो आग बीजे, कोई फर्क कौन पड़ेगा, घटकर जा रही है छोटो जाने थे तो खींच दियो, थार हाथ में पेन है और साथ में रजिस्टर ऑफ थारकन है, वो रजिस्टर में जब भी बनाओ तो कोई जरूरी को नहीं अपना मैं बना अपने कोर्स सुमठनी मेल टावरो, अपन पढ़ना है कुछ जा लिखी जी रहे तो लिख ठीक है, कोई नोट्स मांगे कुल लीजिए अपन पढ़ना है थे तो यहां बना ले करो, बस जरूरी थोड़ी है थे बिया बनाओ अले ओ खींचो इमु एक लाइन और खींच दियो। अब किए आ अपा पूरे मरुस्थल ने दो भागा बांट लिया ताकि अपने पढ़ने में आसानी हो जाए, वो पहलो भाग है वो दूसरो भाग, अब नाम भाग ही बांट लिया है बेटिया बापो नाम तो दियो, तो आ बताओ बारिश वर्षा ज्यादा यहां होती है या यहां, यानी वर्षा ऐसे चलती है राजस्थान में, इधर से वर्षा आएगी, वर्षा पूजा जो भी है वो इधर से आएगी ये ऐसे ठीक है, इधर ज्यादा होगी ज्यादा ज्यादा कम होती जाए कम 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 कहानी खत्म, यानी यहां वर्षा ज्यादा होगी यहां कम होगी, यहां फिर ज्यादा होगी यहां और ज्यादा होगी, यानी जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती वहां एकदम शुष्कता रहती है, इसलिए मैं इसका नाम दे देता हूं शुष्क मरुस्थल प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश ठीक है सर, बहुत बढ़िया काम करे थे अठे थोड़ी बहुत वह जब मैं थोड़ी बहुत कर दियो यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल, वाह सर क्या बात, यानी मैंने मरुस्थल को दो भाग, सबसे पहले मैंने मरुस्थल पढ़ा थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, भारत के 3-4 राज्यों में फैला हुआ है, उसका राजस्थान में 62% है, अरावली की इधर 58 है, टोटल 61.11, तीन आंकड़े, एक 62% आंकड़ा है, एक 61.11% आंकड़ा है, एक 58 है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पूछे जा चुके हैं। फिर मैंने इस मरुस्थल की एक लाइन और खींच दी और लाइन खींच के मैंने इस मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया, एक का नाम मैंने शुष्क दे दिया जो इधर वाला क्षेत्र है क्योंकि इधर ज्यादा शुष्कता है और बीच में थोड़ी बहुत शुष्कता कोनी बीच में जब बारिश वगैरह होती रहे तो बिन मैं नाम के दे दियो अर्ध शुष्क नाम दे दिया। आपको लैंग्वेज मेरी समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं आधी हिंदी बोलूं आधी मारवाड़ी बोलूं, क्योंकि मारवाड़ी मैं छोड़ कौन सकूं और हिंदी मन बोलनी पड़े क्योंकि राजस्थान लेवल का बच्चा पढ़े, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल यानी आ लाइन तो बाय अरावली आरी क्रॉसिंग, इमु आधा देखो ये यहां सी ले लियो अनूपगढ़ आ जाओ, आधो बीकानेर थोड़ा चूरू भी ले लियो, थोड़ा चूरू को पश्चिमी हिस्सा आ जाओ, थोड़ा नागौर को इल्लो आ जाओ, फिर जोधपुर ग्रामीण को इल्लो, फलोदी आओगो, फिर बालोतरा आओगो, फिर बाड़मेर को आधो क्षेत्र आओगो, ए जिला होगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है यार कि मरुस्थल के 19 जिलों के नाम बताओ, अरे कहां यार एग्जामिनर जब पूछेगा तो पता है कौन सा नहीं आता, सीधा सा बात अरावली का इल्ला जिला है यानी के रटनो पड़े, कोई जरूरत नहीं रटने की, अरावली का इल्ला जिला है सीधी इस बात है, एक सिरोही को छोड़ के सह नाम था ध्यान में इन्हें कौन सा है, अभी यही हो गया गंगानगर है चूरू है बीकानेर अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी इन फेर आप दो फेर बांट लियो अपना जिसमें जैसलमेर फलोदी बीकानेर जोधपुर ग्रामीण बाड़मेर बालोतरा ये क्षेत्र आएगा, इसे मेन जो मरुस्थल है ना वो ही है जो एकदम मरुस्थल है रेती रेत, इसीलिए ग्रेट मरुस्थल हो ये जिसे हम महान मरुस्थल की जो संज्ञा देते हैं ना वो ही क्षेत्र यो ही है, इंगमा कुछ स्थान है, एक तो स्थान है सम जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, सम सह से सम सह से एकदम साफ नहीं याद रहती है याद कर लो एकदम साफ है सुपड़ो ही साफ है किमी को नहीं है रेत के टीले ही टीले हैं यहां बारिश तो वही को नहीं वैसे टिब्बा ही टिब्बा बचिया, लेकिन हम लोग क्रिटिकल हैं इधर इनकम के सोर्स नहीं, तो हमने क्या किया एक ऐसा वहां पर सफारी डेजर्ट सफारी बनाई, जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो जाते हैं सऊदिया के मरुस्थल देखने टिब्बा ही बैठे टिब्बा ही अठे,
लेकिन कम पैसे हैं तो हम जाएंगे सम के अंदर टिब्बा यठ है। तो वह टिब्बा देखने खातर अठापा डेजर्ट सफारी बना दी, तो लोग जा है घूम गए फिर के आओगा अठे जीप में चढ़ेगा, वो जीप में चढ़ाए था नुंगा सुंदा कुदाओगो और घुमाओगो फिर राजी हो जाओगे न्याल हो गया टिब्बा देख लिया। ए बा लोगों खातर जका टिब्बा देखेड़ा को आप तो टिब्बा में जा मेडा टिब्बा में मर जाऊंगा आप के देखने जा, लेकिन मैं भी देखने उठी क्योंकि डेजर्ट सफारी है गठे सम के अंदर ठीक है। ये न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम। इंगमा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अठे लाठी रेरू डांग नाम सुने ये थारा है और भी कही लाठी का प्राय बात रेरू हो गयो डांग हो गयो लठ हो गयो और के कामड़ी गेडियो बहुत नाम है लाठी का। आ है एक लाठी देखो लाठी सी बनाई मैं और इनको नाम दे दियो मैं लाठी सीरीज। अब थाना अगलो पूछा है डांग सीरीज का है तो ध्यान रखियो और राजस्थान में डांग ना कह लाठी ना कह दोनों चीज लाठी डांग आप राजस्थान ना ही रख रखिए। और डांग है टावरो इन्ने डांग तो इन्ने लाठी आपने कहने जैसलमेर रखा हो के टावरो इन्ने पानी की बहुत बड़ी समस्या है जैसलमेर साइड। और काजरी का वैज्ञानिक आया सी ए जेड आर आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1959 वेरी वेरी 1952 में स्थापना भी सी बहुत इंपॉर्टेंट है काजरी। इतनी बार पूछी गई मैं आपको आधी रात को भी फोन करूं और कहूं कि बच्चे मेरे बच्चे काजरी के बारे में बता आप कहोगे सर सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लोगों ने इसे रट लिया बोल काजरी 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 रापरी दोनों ही राजस्थान पे जोधपुर में सॉरी ये काजरी सस्ता जोधपुर में इसका ध्यान रखना सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पेपर बनाने वाले को पता चल गया कि लोगों ने तो काजरी की फुल फॉर्म रट ली बोले एक काम करो तो इसका हिंदी में नाम दे दो। तो उसने पूछ लिया केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र बोले रहा भाई आगठ है तो भाई काजरी को हिंदी नाम हुआ केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। जब काजरी पूरो रट लियो तो आगलो आप ही पूछ लियो बोला अब बता दियो एरिड फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों ही मेरे बच्चे जोधपुर के अंदर रट्टा लगा लेना इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है काजरी। काजरी का बोरिया बहुत फेमस है बहुत बड़ा बड़ा बोरिया कमरे जितना बड़ा बोरिया है भी खातर आदमी के पहले यहाँ बेच लो गाड़ी माँ बढ़ गई फिर खा गए फिर बारह जी गाड़ी में भर के लेना पड़े थोड़ा सा ज्यादा होगी फेंकना है मामला मेरी भी स्पीड बहुत अच्छी है मैं भी कई टक्कर देने लग जाऊंगा। तो काजरी को याद कर लेना सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक लंबी सी एक पट्टी खोजी और बट पानी निकलो मिठो बोले और भाई निहाल हो गया ई मरुस्थल में मिठो पानी बोले यार इतना मिठो पानी गठवाए बोले उठकर कोई नदी बहती बोले तो फिर नदी कौन सी बहस के बोले सरस्वती बहस के बोले ये किसका अवशेष है सरस्वती का। इंगे नजदीक एक गांव है वो बनायो नलकूप ओ मांडियो गड़ो अठे गांव है जगह को नाम है चांदन गांव। इन चांदन गांव में एक नलकूप खोजो और भयंकर पानी निकले घंटा में डेढ़ डेढ़ लाख लीटर मीठो पानी भाई जी निहाल हो गया बोले भाई जी हो तो थार को गढ़ो है जो थार की वैष्णो देवी था ही आपने नोटवा था और वो है थार का गढ़ा कहां चांदन नलकूप कहां है यही लाठी सीरीज के नजदीक एक गांव है। पानी ऊपर भूमि है नीचे पानी है यानी भूमि के नीचे पानी है यानी भू गर्भिक जल पट्टी कहां लाठी सीरीज भू गर्भिक जल पट्टी सरस्वती का अवशेष है। अब इतो मोठो पानी इंग उग्यो घास ओहो घासा का नाम है दामण करड़ी तरड़गम सेवन। कई बार एग्जाम में पूछ ले दामन करडी तड़गम सेवन क्या है कुश्ती के प्रकार लड़ाई की प्रकार गाड़ियों के प्रकार या घास के प्रकार दामन करडी तड़गम सेवन दामन करडी तड़गम सेवन घास है टावर दामन छोरे नाम बनी है दामन करडी तड़गम सेवन। अपनो राज्य पक्षी है गोडावन गोडावन आगे अंडो देखो सेवन घास सेवन घास बहुत मिठो घास होता थे भी कभी जाओ भटका भर लीजिए तो सेवन घास बहुत मिठो है और राज्य पक्षी गोडाउन भी मंडो दे यानी गोडाउन के टावरों को प्रजनन वह सेवन घास में इसलिए सेवन घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। कटे सेवन घास ने बोले लीलोन लीलन आपने तेजा जी घोड़ी को ना याद रह जाओ। अब एक चीज और समझो ओ मरुस्थल में अलग काट लियो पूरा मरुस्थल काट लियो ठीक है ओ मरुस्थल ने फिर दो बागाम काट लियो इनको नाम शुष्क है
इंगोनाम अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क को मैंने छोड़ दिया। शुष्क मरुस्थल में सब जगह बच्चों रेत को नहीं है, कई जगह टिब्बा रहित है। जी हाँ, थे जाओगा जोधपुर में, और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो एक पहाड़ी पर बनेड़ो है, इसका मतलब पहाड़ियां भी है। जैसलमेर दुर्ग भी पहाड़ी पर बनेड़ो है। थे कोगा इतना बड़ा मरुस्थल में देखो पहाड़ियां भी, इसका मतलब इस मरुस्थल में कुछ ऐसे स्थान है जो बालू का मुक्त प्रदेश कहा गया उसे, जहां रेत नहीं है, यानी पूरा मरुस्थल है फिर भी कई जगह पहाड़ियां हैं, जिसमें जैसलमेर फलोदी बालोतरा बाड़मेर का कुछ क्षेत्र आता है, छप्पन की पहाड़ियां वगैरह आती है वो। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में, यहां कुछ चट्टानें पाई जाती जो टर्शियरी और प्लिस्टोसीन काल में बनी थी। क्या याद नाम रख, टर्शियरी प्लिस्टोसीन, नोट्स डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, कल मैंने डाला था, उसका अभ्यास करो और उसका प्रिंट निकाल के अभ्यास करो बार बार, भाई साहब निहाल हो जाओगे ज्योग्राफी, क्योंकि सब सर्वाधिक प्रश्न ज्योग्राफी के आते हैं कंपटीशन में। एक बार मुझसे पढ़ लो, जिंदगी में कभी मत पढ़ना चाहिए किसी से, कहीं जरूरत नहीं है। आप 10 में से 8 क्वेश्चन करके आओगे, बाकी आपके अभ्यास पे। आज चट्टानाम किए वह जीवाश्म पाई जाएगा, जीवाश्म समझोगे जी? हाँ, मान लो आप दब जाओ और दबने के बाद अपना हडपांसला निकलेगा, क्योंकि 6 फुटकार, क्योंकि 4 फुटकार, क्योंकि 3 फुटकार, वो जीवाश्म है, सॉरी जीवावशेष है, जीवांगोवशेष। जब बोले आठ एक पार्क बना दो, एक पार्क बनाए हुए आप कल वुड फॉसिल्स, फॉसिल्स को अर्थ है फॉसिल्स अवशेष, फॉसिल्स पार्क हड्डियां डांचो, कहां है? जैसलमेर अभ्यारण्य के अंदर है, ये याद रखना, उद्यान का है, मरु उद्यान के अंदर। अक्कल वुड फॉसिल्स पार्क कहां है? जैसलमेर। काजरी कहां है? जोधपुर। आपरी कहां है? जोधपुर। लाठी सीरीज कहां है? जैसलमेर में। नाचना कहां है? जैसलमेर में। सम कहां है? जैसलमेर। सगड़ांगो बाप आ गयो और नाम कटा दियो बाप होल्डर, यू गिये गुरु जी। बाप कहां है? फलोदी में, पहले कहां था? जोधपुर में, वर्तमान में बापो गठ है फलोदी के अंदर। अट्ठे बतावे के बर्फ का अवशेष मिला, यानी हिमानी करत गोलाश्म के बर्फ के घसने का अवशेष मिले डायट है, मतलब ये एक अलग फोल्डर बना दिया, बोला अठे बर्फ भी रेडी है रे बाप फोल्डर। बस अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मेरे बच्चों, भौतिक प्रदेश भी शुरू हो गए, ये पीडीएफ भी आपके गुरु नोट्स पे भी डाल दी जाएगी, आप कहोगे टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, साथ साथ में लिख लो टेलीग्राम पे 8 बजे पब्लिश होती है, डाल दीजिए, नहीं डाल दी जाए तो नीचे कमेंट कर देना ताकि याद आ जाए, बाकी डाल दी जाएगी। ओके, थैंक यू।